2 अप्रैल 2018 के आंदोलन की याद में 2 अप्रैल 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर ग्राउंड के अंदर एक सभा का महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। 2 अप्रैल के लगे मुकदमा को वापस लेने, कांकोरी कांड राजस्थान के मुकदमे वापस लेने, आरक्षण के अनुपात में लोगों को भागीदारी देने सहित कई अहम मामलों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर ये महापंचायत आयोजित की जा रही है। राजस्थान में इस वक्त सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्माया हुआ है, क्योंकि राजस्थान में उसी दिन 2 अप्रैल के दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 महापंचायत होनी है। एक अनुसूचित जाति जनजाति की जयपुर में होनी है और उसी जयपुर के अंदर विद्याधर नगर स्टेडियम में राजपूत समाज की केसरिया महापंचायत भी होने वाली है, क्योंकि इसी साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में है। लेकिन इसी बीच हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा आयोजित महापंचायत की, तो इस महापंचायत को लेकर तैयारियां पूरी जोरों पर है। इसको लेकर जो आयोजक कमेटी है उसके द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना के चलते स्टेडियम का जायजा लिया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए पूरे स्टेडियम के अंदर जगह जगह पर टेंट है वो लगाया जा रहा है, छाया की व्यवस्था लोग आने वालों के लिए की जा रही है, पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कुछ कई लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में, आपको बता दें कि इस रैली के अंदर लोग पहुंचेंगे। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां हैं, वो इस वक्त जो चल रही है ग्राउंड के अंदर, मानसरोवर का जो ये ग्राउंड है उसके अंदर ये कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीम के साथ साथ ही मुख्य न्यूज खबर आप पल पल की अपडेट इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई अंबेडकर पीपल्स वॉइस पर देख पाएंगे। 2 अप्रैल का आंदोलन पूरी तरीके से आपको बता दें कि चैनल पर कवरेज रहेगा, तो आप पल पल की अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।